बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन का रिक्वायरमेंट निकला हुआ था, आज से कुछ दिन पहले पेपर भी लिया गया था, रिजल्ट भी आया। रिजल्ट आने के बाद क्या होता है कि सरकार ने नोटिस निकाला, निकाला ये कि जो बच्चे पास करेंगे उसी को ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा, यानी कि नौकरी दिया जाएगा। जो बच्चे संविदा के तौर पे नौकरी कर रहे थे उनको नौकरी नहीं दिया जाएगा। अब ये भी कुछ बच्चे दावा कर रहे हैं कि जो फेल हुए हैं और जो पास किए हैं वे दोनों बच्चे मिलकर अब FIR करते हैं BTSE के ऊपर। तो आइए कुछ जानकारी लेते हैं कि आखिर ये प्रक्रिया कहां तक पहुंचा है और क्या क्या सुनवाई हुआ है, क्या सुनवाई हुआ है और प्रक्रिया क्या क्या हुआ है। देखिए, मैं पहले तो मुझे हंसी आ रहा है ये सब बिहार टेक्निकल सर्विस के ऊपर कि क्या क्या हो रहा है, और बिहार सरकार के द्वारा ये जो मिली भगत करवाई जा रही है इसमें बहुत बड़ी एक समझ लीजिए प्रोपगेंडा चलाया जा रहा है। पहले क्या बोल दिया जाता है, नोटिस निकाला जाता है कि 2018 नियमावली के तहत होगा, फिर उसको बोला जाता है कि 2023 के नियमावली के तहत होगा, उसमें संशोधन प्रणाली कर एग्जाम बेसिस पर लिया जाएगा। तो जब एग्जाम बेसिस पर लिया जाएगा, जब सेकंड संशोधन की बात किया जाता है, जब सब कोई नोटिस पढ़ने के बाद संविदा वाले भी फॉर्म अप्लाई करते हैं, एग्जाम वाले जो अभी पास किए वो भी अप्लाई करते हैं, और उसमें से कुछ लोग पास करते हैं, 8,791 लोग पास कर गए हैं जो नॉन संविदा है, उनको बोल सकते हैं कि नॉन कॉन्टैक्ट बेसिस, और जो संविदा यानी कॉन्टैक्ट बेसिस वाले हैं उनकी संख्या लगभग 4,000 है, उसमें से लगभग वो लोग 1,000 से लेकर 1,100 के आसपास वो लोग पास हुए हैं। तो अब ये प्रॉब्लम ये हो गया कि जब सरकार ये सब कार्रवाई करवाने के बाद उन लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया, उनका मेरिट बनाया, ये सब बनाने के बाद उन्हें बुलाया, कॉलिंग किया, और ये सब करवाने के बाद बस एक ज्वाइनिंग लेटर रह गया था। तो उसी सब को लेकर आज सुनवाई था, पहले कि 2 अप्रैल को एक सुनवाई हुआ था। तो 2 अप्रैल में फिर इन लोगों ने बोला कि जज साहब, माननीय उच्चतम न्यायालय, हमें 1 हफ्ते का 7 दिनों का समय दिया जाए, हम कुछ इसमें जो आपने काउंटर एफिडेविट मांगा था उसको हम लगा कर देंगे, क्योंकि कोर्ट का भी प्रक्रिया होता है कि आप जो कुछ भी बोलते हैं कोर्ट में आपको एफिडेविट लगा कर बोलना पड़ता है कि आपने क्या क्या प्रक्रिया करवाए। तो इसी में आज 9 अप्रैल था और आज सुनवाई हुआ, लगभग 20 से 25 मिनट सुनवाई हुआ, और दोनों पक्षों के जो एडवोकेट थे उन लोगों ने अपना अपना प्रस्ताव रखा, और उस प्रस्ताव में माननीय उच्च न्यायालय ने जब एविडेंस मांगा तो एविडेंस के रूप में कुछ साक्ष्य जो एविडेंस होता है वो रुक गया, यानी उन लोगों के पास नहीं था। तो उन लोगों ने बोला कि माननीय उच्चतम न्यायालय, हमको 1 हफ्ता का समय दीजिए, 1 हफ्ते में हमें सारे प्रक्रियाएं जो भी ये साक्ष्य है ये हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। तो कोर्ट माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि देखिए, मैंने आप लोगों को बहुत समय दे दिया, अब ऐसा नहीं होगा कि आपको 1 दिन का समय दे रहे हैं, इस 1 दिन में आपको आपसे जो डिमांड किया गया है, जो एविडेंस है, आप नहीं करते हैं तो फिर हम जो सुनवाई है, हम जो भी फैसला सुनाना है, किसके पक्ष में सुनाना है वो हम सुना देंगे। ये बात हुआ आज। कोई भी जो कि सरकार या सेंट्रल लेवल का जो भी वैकेंसी निकलती है उसमें नियम होता है, नोटिस होता है कि जो बच्चे पास करेंगे उन्हीं को नौकरी मिलेगी। तो इसमें आखिर क्या सूचना दिया गया कि जो पास करेंगे उसको भी नौकरी मिलेगी या जो पास नहीं करेंगे उसको भी नौकरी मिलेगी? ऐसा तो कहीं नोटिस में मेंशन नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। इसमें ये बोला, पहले बोला कि 2018 का बात किया और फिर बोला कि 2023 नियमावली के तहत होगा। देखिए, अब मान लीजिए कि हम कोई जो फैसला सुनाया गया है ना, उसमें ये है कि कोई भी गेम होता है ना, तो उस गेम बनाने से पहले आप नियम बना सकते हैं, गेम शुरू होने से पहले नियम बना सकते हैं, जब गेम स्टार्ट हो जाएगा तो आप बीच में चेंज नहीं कर सकते हैं। तो BTSE के नोटिस में साफ तौर पर जो कुछ पॉइंट है उसमें बोला गया है कि आप एलिजिबल क्राइटेरिया को चेंज नहीं कर सकते हैं, यानी योग्यता को आप चेंज नहीं कर सकते, जैसे कि कोई बाहरी निकलता है, SSC हो गया, BPSC हो गया, इसमें सिर्फ ग्रेजुएट लोग ही अप्लाई करेंगे, ठीक, ये चेंज नहीं हो सकता है।
लेकिन बाकी जो प्रक्रिया है वो बोल रहा है बीटीएस से भी हम संशोधन की प्रक्रिया की बात कर रहे हैं, और 2018 में जब वो बात किया था उस प्रक्रिया के तहत, तो वो बीच में दावा किया था कि हम देखिए सिर्फ एलिजिबल क्राइटेरिया की बात कर रहे हैं और बीच में हम संशोधन कभी भी कर सकते हैं। हालांकि मेंशन किया था, ये पॉइंट को लोग नहीं देख रहा है और सिर्फ हवाबाजी कर रहा है, ये करेंगे वो करेंगे। अरे भाई हम लोग क्या बुर्बक है, पूरा संविधान पूरा सेक्शन गुर्दा गुर्दा आदमी लोग दिन रात यही पढ़ता है, क्या धारा है, क्या सीआरपीसी, क्या आईपीसी, और कहाँ राइट बनता है, ये हम लोग से तो अनजान नहीं है। बीटीएससी के द्वारा जब जो की ये ज्वाइनिंग लेटर दिया जा रहा था, ज्वाइनिंग नहीं दिया जा रहा था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डीवी के लिए बुलाया, उसके बाद बोला कि हम ज्वाइनिंग देंगे, तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वाले लोग केस कर दिया और 1 मार्च को उन लोगों को हाईकोर्ट ने जीत भी दे दिया। आखिर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वाले ने क्यों केस किया? उन लोगों ने केस इसलिए किया कि उसमें से 4000 संख्या है संविदा वालों की और उसमें से लगभग 1100-1200 ही पास हुआ है, और सीट कितने हैं 10000, लगभग 11000 मान लीजिए। यानी कि कहा जाए कि जो बैठकर खा रहे थे, सरकार का पैसा उठा रहे थे, अब उनको नौकरी न मिलने के कारण अब लोग केस किया है, ये भी हो सकता है। ये भी एक तरह से देखा जाए तो ऐसा बोलना उचित नहीं है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वाले भी इतने दिनों से वो लोग अपना काम कर रहे हैं, सरकार की जो भागीदारी है उसमें अपना रोल निभा रहा है लोग, लेकिन जब इतने दिन से आप काम कर रहे हैं तो आपके पास अनुभव ज्यादा होना चाहिए। मान लीजिए कि अगर एक कोई किताब हो गया और बोल दिया जाए कि इस किताब के आधार पर ही आपको ट्रेनिंग करना है, तो जब आप ट्रेनिंग कर रहे हैं दिन रात, आपको सुई कैसे देना है, पैरासीटामोल, जैसे मान लीजिए ट्रक्सोल हो गया, इंजेक्शन का सुई हो गया, टीबी हो गया, कफ हो गया, तो इस सब के बारे में तब बच्चे से मालूम है, उसी चीज को सिर्फ एक कॉन्सेप्चुअल घुमाकर आयोग ने प्रश्न पूछा, इसी में कुछ लोग नहीं दे पाए। लेकिन एक और चीज और सवाल हम करेंगे, जितने भी संविदा वाले हैं हमको नहीं लगता है कि शुद्ध से उनके मेडिसिंस के बारे में भी जानकारी होगा। ये आप अपने स्तर से कहिए कि होता है कि नहीं होता है, लेकिन मुझे जहां तक जानकारी है, या हम अभी हाल ही के अपने आसपास का जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसमें आपसे छिपा नहीं, आप तो जाकर जी पूरा बिहार लेवल पर आप जाते हैं और ये बहुत अच्छा काम करते हैं, इसलिए इनको तो हम स्पेशल थैंक्स देंगे कि ये BTSENM पर आकर आप इतने बहुत अच्छे बातों का मुद्दा उठा रहे हैं ताकि ये सब बात सरकार तक पहुंचे, और ऐसा होना भी चाहिए। देखिए कहीं भी हॉस्पिटल है गवर्नमेंट, तो उसमें जो संविदा वाले हैं, सब संविदा को हम नहीं बोल सकते हैं, सबको तो हम नहीं बोल सकते, पाँचों के लिए बराबर नहीं है, उसमें से कुछ ऐसे लोग हैं जिनको आप अगर ट्रैक्सोल का स्पेलिंग पूछेगा तो नहीं आएगा, वो नहीं बता, एड्स का फुल फॉर्म पूछ दिया जाएगा तो वो नहीं बता पाएगा लोग। हालांकि कोर्ट ने किस आधार पे जीत दिया वो पहले गेम रूल के आधार पर ये प्रोसेस एविडेंस लगा दिया तो वो लोग जीत गया। ये भी देखिए हमारे पास एक बैठे हुए बहुत बड़े यूट्यूबर है, यूट्यूब पर ये बहुत, अगर आप लोग जो 10वीं और 12वीं क्लास के बच्चे होंगे, इनका लगभग समझ लीजिए कि 1.5-2 लाख सब्सक्राइबर है यूट्यूब पर, और 10th और 12th के पढ़ाते हैं, इनको भी इन्होंने इस चीज को देखा BTSENM के बारे में, BTSE तो हर इंजीनियरिंग और मेडिकल लाइन का एग्जाम लेता है, तो सर ने बोला कि देखिए क्या सर आप बोले थे ना, बोलिए कैमरा, हम अपने मुंह से बोलेंगे। देखिए पिंटू ये मेरे भैया है, जो इनका नाम पिंटू है, तो ये बोले कि देखिए ऐसा ऐसा बात है, तो हम बोले कि चलिए ठीक है, आप जहां तक जाइएगा, जहां तक आपको जाना पड़ेगा, हम आपके साथ है, हम आपके साथ चलेंगे, जो भी करना होगा हम करेंगे, आपके साथ में है मैं। अच्छा एक बात बताइए, जब आखिर बच्चे सब का केस आखिर कौन लड़ रहा है भाई? देखिए इसमें दो खंड हो चुका है, एक जो संविदा वाले हैं उनके तरफ से केस हुआ है, और एक जो एग्जाम पास किए हैं उनके तरफ से। एग्जाम पास वालों को ना बिहार सरकार समर्थन कर रहा है, एग्जाम पास वालों ने जितना केस किया है ना CBT क्वालिफाई वालों ने, जैसे LPA 269 322 का सुनवाई था, और इन दोनों LPA को मर्ज कर 238 के साथ लगा दिया गया था, और BTSE के महाधिवक्ता PK Sahi है वो केस लड़ रहे हैं, और इन लोगों का जो भी एविडेंस है कुछ थोड़ा सा कमी रह गया था, नहीं तो आज ही रिजल्ट मिल जाता, लेकिन जो साक्ष्य आज उन लोगों ने हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि ये बता देंगे तो विपक्ष पार्टी को सबूत मिल जाएगा, इसलिए थोड़ा सा कैमरे पर हम हाइड रखेंगे, और ये एविडेंस हमको लग रहा है कि शाम तक मिल जाएगा उन लोगों को, और बेहतर रूप से CBT क्वालिफाई का जीत हो सकता है। क्या इसमें सरकार के प्रति बच्चों का क्या विश्वास है, क्या माने की कर पाए सरकार से? तो यही उम्मीद है देखिए कि
दोनों तरफ की रोजी रोटी का बात है। सब कोई एग्जाम देता है अपने उज्जवल भविष्य के लिए, ताकि उसका आने वाला भविष्य सुनहरा हो, अपने बच्चों का भविष्य अच्छा से बना सके। ताकि मान लीजिए अभी के बेरोजगारी के जमाने में अगर कोई 6 घंटा 5 घंटा अगर जैसे भी एग्जाम निकालता है, कैसे भी एग्जाम निकाला पास हो गया, तो वो भाई उसका वरीयता मिलता है ना। पूरा वर्ल्ड संसार, आप जानते हैं कि पूरा दुनिया एग्जाम वालों का समर्थन करता है। अब कौन से आधार पे बोल रहे हैं कि सीबीटी क्वालिफाई का नहीं होगा, ज्वाइनिंग नहीं होगा। एक और चीज, हमारे बिहार खास करके अब विकसित बन चुका है, ये हम नहीं कह रहे हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि 2005 के पहले उन्होंने जंगल राज के आसपास में बोलते हैं, आज भी बोलते हैं, लेकिन 2005 के बाद बोलते हैं कि ये हमारा बिहार है और विकसित बिहार है। कि जो बच्चे 8 घंटा 10 घंटा गर्मी में, ठंडी में, धूप में, बारिश में, ये सब चीज का फेस करके पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने के बावजूद परीक्षा पास करते हैं, परीक्षा पास करने के बाद जब उन्हें नौकरी नहीं मिलता है तो अब बताइए, अब पत्थर पर अब दूध जमने के बराबर ही होता है। इसलिए कि इतना करने के बावजूद जब नौकरी नहीं मिलता है और सरकार उसमें अड़चन लगा देती है, तो कहीं ना कहीं ये हमारे बिहार सरकार को दोषी करार दिया जाएगा कि आप लोग ऐसा ना करिए, बच्चे के भविष्य के साथ अभी आप लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, खिलवाड़ आप लोग मत करिए। नहीं तो जानते हैं, जो जनता आपको इस कुर्सी पर बैठाई है, वही जनता, वही छात्र एक दिन कुर्सी के नीचे आपको बैठाएगी, तो उस दिन पता चलेगा कि हमने क्या गलतियां किया है कि आज हमें भुगतना पड़ रहा है। तो बच्चे के भविष्य के साथ आप लोग खिलवाड़ मत करिए। और ऐसे जो कि BTS यानी कि बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन के द्वारा जो भी एग्जाम लिया गया है और जो कि अभी ये कोर्ट में चला गया है मामला, और इस पे जल्दी से जल्दी सुनवाई किया जाए ताकि बच्चे का भविष्य बर्बाद न हो। एक और बात हम कहना चाहेंगे, आपने अभी बोला ना, देखिए 10,709 सीट है और एक ANM का सैलरी जानते हैं कितना है, 40,000। 10,709 में और 40,000 से गुना कीजिए, लगभग हमको लग रहा है कि 45 से 46 अरब एक महीने का पैसा हो रहा है। तो बिहार सरकार तो चाह रहा है कि आज भी BTSC के जो महाधिवक्ता है PK साहब, उन्हीं के समर्थन पर ना ये डेट आगे बढ़ा। अगर वो चाह देते, अगर वो पहले से वो चाह देते, आपको मालूम है कि BTSC का जो एडवोकेट है उनको एक दिन के एक हियरिंग के लिए 3,500 रुपया मिलता है। वो तो चाहेंगे ही कि ज्यादा से ज्यादा डेट मिले, क्यों बढ़े, ये सब बहुत बड़ा, ये सब स्कैम ही है एक तरह से। कोर्ट में जितना वकील बोलता है उतना फीस आगे बढ़ता है, फीस बढ़ता है, ये हकीकत बात है। ये सब मिली भगत है, बिहार सरकार और बिहार सरकार के एडवोकेट को ही हम इसमें बोलेंगे। अगर एडवोकेट अगर एक चाह देगा ना, तो कोई भी केस अगर उसके पास है कैपेसिटी कि हमको करना है ऐसे, एक चीज को और मानते हैं कि बिहार सरकार के पास हजारों केस होते हैं और बिहार सरकार अपना खास एक एडवोकेट रखा है, महाधिवक्ता जी से बोलते हैं, तो उनके पास इतना वर्क होने के बावजूद भी अगर वो चाह देते थोड़ा सा अलग से समय देकर एविडेंस लगाने में, तो आज एक क्लियर हो जाता। 10 अप्रैल का डेट नहीं मिलता, 10 अप्रैल को एक डेट मिला, आप देखिए कल क्या होता है। लेकिन इतना उम्मीद के साथ हम लोग बोल रहे हैं कि एक कोर्ट ने एविडेंस मांगा, वो एविडेंस अगर PK साहब जुटा लेते हैं तो CBT क्वालिफाई का जीत हो जाएगा और जल्द ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। एक और चीज, बिहार सरकार खास करके BTS के अध्यक्ष महोदय से हम कहेंगे कि अगर आप 10 अप्रैल को अगर जो भी डिसीजन होता है अगर सही नहीं सुनाइएगा तो शायद हो सकता है कि बच्चा आपके इर्द गिर्द घेरा लगा सकता है और मुसीबत पैदा कर सकते हैं। तो आप सोचिएगा कि क्या मुसीबत पैदा करवाएंगे, क्या इस मुसीबत से आप छुटकारा पाएंगे।